स्टूडेंट्स, हमने प्रॉब्लम सेट टू रियल नंबर का एमसीक्यू देखे थे। इसके पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर वन एमसीक्यू हमने देखा है, उसको एक्सप्लेन किया है इसके प्रीवियस वीडियो में। अब हम रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था इसके पहले के वीडियो में, अब सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का कहना है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। अब इसमें फाइव सब क्वेश्चंस कुछ करूंगा मैं, एंड रिमेनिंग यू हैव टू डू सेल्फ। अब पहला देखो, पहला क्या है, फर्स्ट पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखना है क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट 0.555, ऐसा ही लिखा है। अब यहाँ पे ये रिकरिंग डिजिट है, रिकरिंग डिजिट को कैसा लिखते हैं, इस प्रकार लिखते हैं, बार देते हैं या डॉट लिखते हैं। तो 5 इज रिकरिंग डिजिट, जो हमें क्वेश्चन दिया है उसे क्या करते हैं, हम इसके पहले देखा है हमने एक्सरसाइज में, प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चन किए हैं, इजी है जो है हमारे पास। इसको रिकरिंग डिजिट है इसलिए यहाँ रिकरिंग डिजिट को एक बार लिख के डॉट देना या बार लिखना, दिस मीन्स 5 इज रिकरिंग डिजिट, यानी बार बार आने वाला डिजिट। तो जो है उसे हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अब रिकरिंग डिजिट्स कितने हैं वो गिनते हैं, कितने यहाँ पे रिकरिंग डिजिट्स, 1, यदि 1 है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 रिकरिंग डिजिट्स है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये रिकरिंग डिजिट इज 1। और जो हमने लिखा इधर इसे क्या कहते हैं हम, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ रिकरिंग डिजिट 1 है इसलिए क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाइंग बाय 10, क्या हो जाएगा ये 10x इक्वल टू 5 पॉइंट ऐसा आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं अपन, 2 में से 1 घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा, 10x माइनस एक्स इक्वल टू 5.05, ये हो गया 9x इक्वल टू, हमें क्या मिलेगा 5, तो x इक्वल टू मिलता है हमें 5/9, ये हो गया P/Q फॉर्म। आई बात समझ में, और एक करते हैं और इसके बाद रिमेनिंग यू हैव टू डू सेल्फ। और एक क्वेश्चन लेते हैं, 357.417417 ऐसा ही है, क्या है 357.417417, और इसका मतलब क्या हो गया, 417417 क्या है, रिकरिंग डिजिट्स, रिकरिंग डिजिट्स आर 417, और एक क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4, फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ क्वेश्चन। तो 357.417417, इसके बाद भी क्या आएगा, 417417 कंटिन्यूअसली। व्हाट हैपेंड हियर, 417 digits coming continuously means 417 is recurring digit, those digits coming continuously that are recurring digits. तो यहाँ पे recurring digits कौन है, 417। तो मैं इससे ऐसा लिखता हूँ, 417 पे क्या दे देते हैं, बार, बार means बार बार आने वाले digits, 417,
तो जो है हमारे पास उसको क्या लेते हैं हम एक्स, एक्स इक्वल टू 357.417। अब क्या है कितने डिजिट से रिकरिंग, थ्री, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 पे 30 एंड 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसे हम क्या कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या करेंगे हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि रिकरिंग डिजिट 3 है इसलिए 3 0। क्या हो जाएगा ये 1000x इक्वल टू 357। अब 1000 से मल्टीप्लाई किए तो ये तीनों इधर आ जाएंगे, यहाँ पॉइंट आएगा, पॉइंट क्या आएगा 417 बार। अब इसको क्या कहते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब जब सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या सब्ट्रैक्टिंग 2 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं क्वेश्चन 1 फ्रॉम 2। अब 2 को लिख लेते हैं, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है 1000x माइनस एक्स इक्वल टू 1000 में कौन है 357.417 माइनस 357.417 दिस बिकम 0 है ना। ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1000 माइनस 1 मीन्स 999x, 1000 माइनस 1x मीन्स 999x इक्वल टू ये तो 0 हो जाएगा। अब 7 माइनस 7 मीन्स 0, 11 माइनस 5 मीन्स 6, 4 माइनस 4 मीन्स 0 है ना। अब यहाँ पे कौन बचा 357, 417 माइनस 357 करना, तो क्या आता है 357,357,479। इससे घटाना क्या पड़ेगा 357। तो उसको घटाने के बाद हमें क्या मिला 357,060। Therefore, x equal to 357,060/999 means 999। तो ये हो गया p upon q form। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या करना है इसी प्रकार हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस यू हैव टू डू सेल्फ। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में डेसिमल फॉर्म में लिखो बोला है। ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में था, अब डेसिमल फॉर्म में लिख, ये डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में दिया है कुछ, इसे काय में लिखना है डेसिमल फॉर्म में लिखना है। अब एक करके देखते हैं, एक दो करके देखते हैं, रिमेनिंग यू हैव टू डू। फर्स्ट क्वेश्चन है माइनस क्वेश्चन नंबर 2 नहीं 3 का 1। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 क्या है माइनस 5/7। तो पहले पॉजिटिव के लिए डिवाइड करते हैं। डिवाइड जैसा हम पढ़े हैं अभी तक स्मॉल क्लासेस में उसी प्रकार का डिवीजन करना है। तो यहाँ 5 डिवाइजर इज 7, पहले पॉजिटिव के लिए करना है बाद में उसको नेगेटिव लगा देंगे तो 0 पॉइंट आएगा। यहाँ क्या देते हैं हम 0 लिखते हैं, 7 7 जा 49 1 है। अब यहाँ पे भी क्या लेते हैं हम 0 लेते हैं, तो 0 लेते रहते हैं और सामने डिवीजन करते रहते, 7 1 जा
सेवन कितना आया? थ्री, और क्या लेंगे? जीरो है ना। सेवन फोर दा 28, 30 माइनस 28 मीन्स टू, अगेन वी टेक जीरो है ना। सेवन टू दा 14, वी गेट सिक्स, अगेन टेक जीरो। सेवन एट दा 56, 60 माइनस 56 इज फोर, अगेन टेक जीरो। सेवन फाइव दा 35, अगेन वी गेट हियर 40 माइनस 35 मीन्स फाइव, अगेन टेक जीरो है ना। सेवन सेवन दा 49, ये 50, ये देखो 50 यहाँ है, 50 से स्टार्ट हुए थे अपन, 50 यहाँ आ गया, यानी कंटिन्यू ऐसा ही आएगा है ना। दिस कंटिन्यू आएगा बिकॉज वी स्टार्टेड फ्रॉम 50 एंड रिमाइंडर गेट ऑल्सो 50, और इसे यदि सॉल्व करते चलेंगे तो हमें ऐसा ही मिलते रहेगा। 7 1 4 2 8 5 7, ये आता रहेगा। क्या आता रहेगा? तो इसे लिख लेते हम, देयर फोर माइनस 5/7 इक्वल टू, माइनस लिखेंगे 0 पॉइंट, निगेटिव लगाया है तो निगेटिव। 7 1 4 2 8 5 7, इस प्रकार इसे डेसिमल फॉर्म में करना है, सिंपल डिवीजन करना है। कब तक डिवीजन करना है? जब तक रिकरिंग डिजिट ना आ जाए, जैसा कि यहाँ 50 से स्टार्ट किए 50 पे एंड हुआ, तो इसका मतलब है अब कंटिन्यू यही नंबर आने वाली है। तो इसे हम करते रहेंगे तब तक जब तक, और इसी प्रकार के यानी अब क्या आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद यही डिजिट मिलेंगे, तो इसे क्या लिखेंगे हम, क्या दे देंगे? 12 है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन 3 का 1, और करते हैं एक बाद में यू हैव टू डू सेल। एक करता हूं मैं √5, क्या √5। अब √5 है, हम 8th में पढ़े हैं फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, वो उसका इस्तेमाल यहाँ करना है, और लास्ट इसको सॉल्व करते चलेंगे तो यहाँ कोई रिकरिंग डिजिट आने वाला नहीं है बिकॉज दिस इज अ इरेशनल नंबर। हम रैशनल नंबर इरेशनल नंबर पढ़े हैं तो ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर होने के कारण यहाँ कोई रिकरिंग डिजिट नहीं आने वाला, फिर भी 3-4 डेसिमल तक इसको सॉल्व करना है। तो इसका हमें क्या करना है, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। अब स्क्वायर रूट कैसा निकालते हैं मालूम है ना, हम 8th में पढ़े, हम इसका क्लोज परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखते हैं। 3 स्क्वायर 9 होता है, 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, 2 चलता है, 3 5 से ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम क्या लेते हैं 2। 2 स्क्वायर इज 4, तो जिसका स्क्वायर इसके नजदीक आता है वो नंबर यहाँ लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं। इसका स्क्वायर जो भी आता है वो हम कहाँ लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं है ना, और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या हो गया? अब इसके बाद इसको 0 0 हम 0 0 और 0 0 दो जीरो लगाना पड़ता है। जब डिवीजन मेथड से हम सॉल्व करते हैं तो कंटिन्यूस करने के लिए हमें क्या, दो दो जीरो उसमें लगाते रहना है और सॉल्व करते रहना है। और ये 2 जो मिला वो 2 को क्या करते हैं हम, ऐड करते हैं ना, तो 2 + 2 = 4। अब 0 लिए है तब से क्या हो जाएगा, यहाँ पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। जब से हम 2 0 लेते हैं तब से यहाँ क्या पॉइंट आएगा।
अब ऐसे नंबर लेते हैं यहाँ पे, यदि 3 ले लिया तो क्या 4 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या आता है 129, 129 इससे बड़ी होती है, इसलिए क्लोज आना चाहिए इसके क्लोज वो नंबर। यदि हम यहाँ 2 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 42, 42 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होता है 84, इसके करीब है, 3 ज़्यादा होता है 2 इसके करीब आता है, तो क्या लेंगे हम 2। और 42 मल्टीप्लाइड बाय 2 जो भी आता है वो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100 माइनस 84 मीन 16, और 2 जीरो ऐड करते हैं है ना, हम लेते चलेंगे 0, और ये जो 2 आए वो 2 यहाँ मिला देना पड़ता है ना, जैसा हम यहाँ लिखते चलते हैं और इसमें ऐड करते चलते 442 है, 444 है, यदि 444 करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1600 से ऊपर चला जाएगा, तो कौन आएगा इसके करीब 3। यदि हम 3 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 9 3 4 12 3 4 12 and 13 and हियर वी गेट 10 minus 9 1 10 minus 3 7 2 0 271 Add this 3। अब ये 3 क्या करना है, इसमें ऐड करना है 4 4 6। अब हमें क्या बोला है 2 0 और ऐड करते चलना है 2 0। अब यहाँ देखो 27,100 है ना, तो यहाँ यदि हम 6 लिखते तो 6 4 24 चलेगा, 7 लिखते तो 7 4 28 ऊपर चला जाएगा इसका, तो इसके करीब करीब क्या आएगा 6। यदि हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 6 6 36 प्लस 3 9 39 6 4 24 plus 3 27 27 2 6 4 24 plus 26